जय दोस्तों, भारतीय टीम के पास आज इस मैच में, वार्म अप मैच में अपनी तैयारियों को परखने का मौका है। ऐसे में आज से T20 विश्व कप, जहां पे बांग्लादेश के साथ आज भारतीय टीम का पहला वार्म अप मैच खेला जाएगा, ये मैच भारतीय टीम के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम 2 जून से शुरू होने वाले ICC T20 विश्व कप से पहले शनिवार को अपना एकमात्र वार्म अप मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी, और ऐसे में रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ करेगी। वहीं दोस्तों, इससे पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए उसके पास यह एक आखिरी मौका होगा। इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल सांतो ने नाउचा काउंटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का दौरा किया, और इस स्टेडियम को देखकर रोहित शर्मा काफी खुश हुए और उन्होंने कहा, यह बेहद ही खूबसूरत स्टेडियम है और काफी खुला मैदान है। मैं इस बेहतरीन स्टेडियम में खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, तब वार्म अप मैच के लिए तैयार है। या दोस्तों, ऐसे में भारतीय टीम और बांग्लादेश की टीम आज जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है, और ऐसे में कौन सी टीम आज का ये मुकाबला जीतेगी दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि जहां पे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली अभ्यास मैच से पहले भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं, ऐसे विराट कोहली के बांग्लादेश के साथ खेले जाने वाले वार्म अप मैच में खेलने की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं दोस्तों, बारिश डाल सकती है आज के इस मैच में खलल, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच वार्म अप मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, और निराश की बात यह है, इससे पहले करीब 5 मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला आज का ये वार्म अप मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पे रोहित शर्मा ने भी बखूबी से जताया कि खुले मैदान में खेलने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कर दें, और आज रात 8 बजे इस मैच का आनंद लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।